राम राम जी, राम राम साहब, राम राम जी आओ बैठो। और कहाँ चल रहा है भैया? कहाँ चलेगा, चुनाव की बात चल रही है। और सुनाओ कहाँ से आ रही हो? चुनाव प्रचार में से आ रही है भैया, कभी काउ के संग जाना पड़े कभी काउ के संग। तो भैया कहाँ लगे, कौन की सरकार बनेगी? आबार काउ की सरकार बन जाओ, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। भैया हवा तो योगी मोदी के पक्ष में बहती नजर आ रही है, समीकरण तो उन्हीं के पक्ष में दिख रहा है। क्यों भैया, अखिलेश जयंत में काबराई है, इनने कौन की भैंस खोली है? हाँ बात तो सही है, आगरा से लेकर लखनऊ तक का रास्ता 5 साल में बना दिया, और तो 100 नंबर की गाड़ी भी इन्हीं के राज में शुरू हुई है। क्यों याद है क्या? तो भैया राम मंदिर को कहा, वो तो अगर ये सरकार ना आती तो कैसे बन पाता? और गुंडागर्दी पर भी तो योगी मोदी की सरकार ने लगाम लगाई है। ठीक है लेकिन चुनाव में तो यही देखो जावे कौन अपना आदमी है, वोट तो भाई दी जावे। राम राम बेटा। और बेटा कैसे हो, सब बढ़िया? हाँ काका सब बढ़िया। तो आज फिर से चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं लगता है। हाँ बेटा, और किसकी बात करेंगे, चुनाव आ रहे हैं बस उन्हीं के बारे में बातचीत चलती रहती है। तो आज आप सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? बस यही सोच रहे हैं, हर सरकार ने बहुत कुछ किया है, अखिलेश ने और योगी ने, इनने देश को आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया है। हाँ इसलिए बस यही नुक दुख चल रही है कि आने वाला चुनाव में कौन जीतेगा। मेरे हिसाब से तो योगी ही आएगा, इतना विकास किया है और मंदिर भी बना रहा है। क्यों क्या लगता है बेटा? काका अभी हम कैसे बताएं, मतलब हम तो बस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अरे तो क्या हुआ, अपना पक्ष तो तुम भी रख सकते हो। अगर पक्ष रखना है तो मेरे पास एक सवाल है। हाँ सारी पार्टीज ने अपने अपने तरीके से विकास किया है, लेकिन क्या किसी ने भी आज तक एजुकेशन, पढ़ाई और स्वास्थ्य के विकास के बारे में कोई भी बात की है? हाँ मतलब हमारे लिए तो शिक्षा से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं, तो अगर उस क्षेत्र में कुछ विकास हो तब शायद शायद हम में से कोई किसी पार्टी को फेवर कर पाएगा। अरे बच्चों तुम ना बहुत सोचते हो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बिजली, मकान, सड़क और पानी, ये सब तो मिल ही रहा है ना इंसान को, और क्या चाहिए? हाँ ये पढ़ाई वगैरह का विकास तो होता रहेगा। नहीं काका आप समझ नहीं रहे हैं, पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ये बाकी सारी चीजें हैं, आखिर आगे जाकर हम ही तो देश का विकास करेंगे। मतलब काका इसका मतलब ये कि अगर आज का युवा पढ़ेगा नहीं तो आगे जाके देश का विकास कैसे हो पाएगा? आगे जाके हम ही तो देश का कल बनेंगे और उसके हित में काम करेंगे। हाँ और अगर आज हमारे ही पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगे चल के देश की स्थिति को सुधारेगा कौन, उसे आगे बढ़ाएगा कौन? मगर तुम जा रहे हो ना स्कूल, तो तुम्हें किस बात की फिक्र? बात सिर्फ स्कूल जाने की नहीं है, बात है पढ़ाई किस तरीके की हो रही है, क्या आज की शिक्षा हमारे लिए पर्याप्त है? और अगर शिक्षा पर्याप्त है तो उसके बावजूद भी आज हमारे देश में ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्या सरकार को इस विषय में कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई अब हमारी तरह एजुकेशन तो अफोर्ड नहीं कर सकता है ना? तो उसके लिए सरकारी स्कूल है ना बच्चों? अब गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत तो जैसा आपको पता ही नहीं है। काका जब आप पढ़ा करते थे तब गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक से चलते थे, वहाँ पढ़ाई भी अच्छे से होती थी, मगर आज प्राइवेट स्कूल्स का चलन ऐसे बढ़ा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को तो सब भूल गए। और गवर्नमेंट स्कूल्स की तो इमारतें भी जर्जर स्थिति में हैं और शिक्षक भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और तो और पिछले 2 सालों से तो वो बंद ही है। आखिर हमारी सरकार ने किया ही क्या, बेचारे बच्चे 2 साल से पढ़ने नहीं जा पा रहे। वहीं जो पैसे अलग अलग जगह लगाए जा रहे हैं उसमें से कुछ बच्चों की शिक्षा में लगाए जाते तो बेहतर नहीं होता? हाँ लैपटॉप्स खरीद के बच्चों को देते, इंटरनेट के लिए सेल टावर लगवाते, पढ़ाई के लिए बच्चों को फ्री का इंटरनेट देते, ताकि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते वो पढ़ पाते, गवर्नमेंट स्कूल में रहने के बावजूद पढ़ पाते। इलिटरेसी रेट इंडिया का आज भी बिहार और यूपी जैसी जगह में 40% से भी ज्यादा है, क्या सरकार को अब इस विषय में कुछ नहीं करना चाहिए? बात तो तुम्हारी ठीक है, आखिर हमें तो यहीं रहना था और कभी बाहर भी नहीं जाना पड़ा, कभी जरूरत भी तो नहीं पड़ी हमें। पहले के समय में तो सरकारी स्कूलों की पढ़ाई अच्छी हुआ करती थी, आज की तुलना से तो कम से कम वही। और तो और अगले साल निशिका दीदी को बाहर जाना होगा, कोचिंग लेनी होगी, अगर उस तरह की एजुकेशन यहाँ मिल जाती तो इनको बाहर नहीं जाना पड़ता। सरकार को कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए इस देश की शिक्षा को सुधारने के लिए, वरना आज तो ठीक है पर हमारे कल के विकास के साथ समझौता हो रहा है, हमारे साथ समझौता हो रहा है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, हमारे जैसे गाँव में तो स्वास्थ्य सेवा की भी कमी है, ना अच्छे अस्पताल है और ना ही अच्छे डॉक्टर्स। और तो और कई बार हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए शहरों तक जाना पड़ता है,
और कई बार मरीज को शहर तक ले जाने का भी वक्त नहीं होता है। मंदिर बनवाया अच्छा है, फ्लाईओवर बनवाया वो भी ठीक है, मगर सरकार को उसके साथ साथ और ज़रूरी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे अस्पताल, स्कूल्स, जिनसे कितनी सारी असुविधाएँ दूर हो जाती हैं। हमसे ज़्यादा उनकी, जिनके लिए इन सुविधाओं का पालन आसान नहीं है, पर आसान होना चाहिए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम एक सवाल खड़ा कर सकते हैं, इस चुनाव से पहले और इसके बाद क्या सरकार कभी भी हमारी शिक्षा को लेकर कुछ भी करेगी? क्या ये ग्रामीण स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कुछ भी करेगी? क्या वो दिन कभी आएगा जब आम आदमी को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा? क्या हमारा देश कभी वो दिन भी देखेगा जब किसी भी माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और वो बेफिक्र अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकेंगे? क्या हमारा देश वो दिन भी देखेगा जब 2 घंटे दूर चेकअप कराने के लिए हमें गांव से शहर भागना नहीं पड़ेगा और हर शहर और हर गांव में अस्पताल? और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या वो आपके वोट के योग्य है? मैं तो शायद सिर्फ ये कहना चाहूँगी, शायद हम सभी सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आज की शिक्षा ही कल के विकास को रूप देंगी और आज का स्वस्थ नागरिक ही कल देश को ऊंचाइयों तक ले जा पाएगा।